मध्य प्रदेश कोरोना बीमारी के चलते इस वर्ष 2021 में किसानों को अपनी गेहूं की फसल को सोसाइटी में बेचने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फसल बेचने के समय कभी बारिश की समस्या रही तो कभी आंधी तूफान को लेकर परेशान रहे। वहीं बात करें धार जिले आने वाले गांव राजोद, जिसमें सोसाइटी प्रबंधक भागीरथ जी के द्वारा किसानों से सही समय गेहूँ खरीदे गए एवं सभी किसानों को सोसाइटी के द्वारा बताया गया कि आप लोग दूर बना कर रखें और मुंह पर मास्क लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। साथ ही किसानों को 7 दिनों के अंदर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा राजोल धार बैंक प्रबंधक बालकिशन सोलंकी जी के द्वारा भुगतान किया गया। समाचार के संपादक मनोज सिंह कुशवा से बैंक मैनेजर साहब की खास बात। मैं बालकृष्ण सोलंकी शाखा प्रबंधक शाखा राजोल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन करते हुए भुगतान करते प्रकार का जो प्रॉब्लम समिति आगी है। इन समिति के अंतर्गत खरीदी है, 5 सेंटर बनाए हुए हैं, 5 सेंटर खरीदी करीब कितना अपन ये अभी आंकड़ा मैंने फाइनल ही किया है। वसूली जो है हमारे अच्छी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को जिन्होंने जमा करा दिया, मेरा मतलब है कि करीब 18 तारीख तक जो लोगों ने जमा करा दिया पैसा, उन लोगों को पेमेंट हम कर चुके हैं। भाई 20 मई तक का जो पेमेंट जो है जिन लोगों ने जमा करा दिया उनको सर नए लोन की क्या प्रक्रिया रही? नए लोन के लिए क्या है कि वो अधिकार जो आएगा पहले उसका खाता हमें खोलेगा, उसके बाद वो समिति का खाता खोल के समिति से उसके जो कागज पत्र ऋण आवेदन भरेगा उसको बैंक स्वीकृत करेगी। इसमें 3 अधिकारी जैसे हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, CEO कॉपरेटिव और एक शाखा प्रबंधक, तीनों मिलकर समिति उसको पेंशन दे देती है। कितने पंजीयन रहे अपने और कितने गेम तो ज़्यादा रहे पर जो लोग यहाँ लोग आ गए थे अपने तारीख तक क्या कोई तारीख के बाद कुछ किसान आ गए बेचने के लिए बात तो नहीं आ गए 15 तारीख को जो आ गए थे अपन वही थे क्या लगता है 2 दिनों के अंदर वो वसूली हो सकती है? अनुमानित 100% होगी, 90% क्या 90% 90% अनुमानित